कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। अरहमित्यक्षरम् ब्रह्म वाचिकम् परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजम् सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत शुद्ध परमेष्ठि भगवान की जय हो। नंदीश्वर महामह पूजा विधान की जय हो। देवादिदेव अंतिम तीर्थंकर श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। बोले परम पूजनीय अध्यात्म योगी अभीक्षण ज्ञानोपी योगी अरहम ध्यान प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जयकारा। गुरुदेव का नमोस्तु भगवान। अच्छा विचार आया है आज आप लोगों को। हम सोच तो रहे थे कि आपको थोड़ा सा ध्यान में भी नंदीश्वर की यात्रा कराते हैं। आपने अपनी तरफ से इच्छा व्यक्त की है, ये ज़्यादा उत्तम है। इस तरह की भावना, इस तरह के प्रसंगों के साथ बहुत उपयोगी बनती है, क्योंकि जब हम थोड़ा सा अपने मन को ध्यान के साथ जोड़ते हैं तो यही एक स्थिति बनती है जब मन वास्तविक रूप से संसार की विषय वासनाओं से ऊपर उठता है। जब मन अपने आप को थोड़ा सा संसार के क्रियाकलापों से ऊपर उठा पाता है। मन को अगर हम संसार के तौर तरीकों से, रीति रिवाजों से, क्रियाकलापों से ऊपर उठा करके अगर हम देखते हैं तो मन के अंदर एक अच्छा संस्कार उत्पन्न होता है, और यही संस्कार आपको जीवन में हर तरह की शौर्य, शक्ति, साहस प्रदान करता है, जिसके माध्यम से आप वो चीज़ें उपलब्ध कर पाते हैं जो आप सोचते हैं। जीवन में बहुत कुछ हमें प्राप्त होता है वो हमारे पुण्य से ही होता है, और पुण्य की भी अगर हम अच्छी प्राप्ति करते हैं तो पूजा विधान से होती है, और अगर अच्छी प्राप्ति करते हैं तो वो ध्यान से होती है। ध्यान में विषय क्या हो तो ध्यान का विषय संसार का ना हो, जो हमारा जाना पहचाना विषय वो ना हो, जिससे हम परिचित हैं ऐसी इंद्रियों का विषय ना हो, ध्यान का विषय कुछ अलग हो, और वह विषय जब अलौकिक हो, लोक में जिसको बहुत कम लोग जानते हो, कम लोग मानते हो, तो उस अलौकिक विषय में अपने ध्यान में जोड़ना ये मन के लिए सर्वोत्कृष्ट चीज होती है। सर्वोत्कृष्ट संस्कार मन के अंदर इस तरह के ध्यान से पड़ता है। इसलिए सभी के लिए कभी ना कभी इस तरह का ध्यान आदि करने का मन अवश्य बनाना चाहिए। कल जो आपको अर्धचक्र क्रिया के बारे में बताया था वो तो आपके मोबाइलों पे आ चुकी है, वह सिस्टम तो आपको उसी से सीखना है, उसी से समझना है, सब आ गया है। यहाँ से जो कुछ कहा जाता है वो तभी कहा जाता है जब उसकी तैयारियाँ पूरी हो चुकी होती हैं। और इसी के साथ साथ आपको एक चीज़ और कही थी, आने वाली धनतेरस पर आप लोग अपनी दिवाली के दिन
इस बार अपने घर में कोई एक अच्छी चीज लेकर के आएंगे, और वह चीज क्या होगी, तो जो ताम्र पत्र पर लिखा हुआ वर्धमान स्तोत्र है 64 काव्यों का, यह बहुत ही सुंदर ढंग से रचा गया लिखा गया हुआ स्तोत्र है, और वह एक ऐसा पीस है कि जैसे आपको कोई बहुत सुंदर हार खरीद के लाते हैं तब उसका जिस तरह से बॉक्स होता है, ऐसे ही सुंदर बॉक्स में वह आपको रखा हुआ वह ताम्र पत्र का अंकित वर्धमान स्तोत्र आपको मिलेगा। इसे आप अपने घर के अंदर, जो आपके घर में पूजा का स्थान होता है, कोई आला होता है, कोई कमरा होता है, उसमें इसको विराजित करें, और अगर यह हो सके तो जहां आपका यह स्थान बना हुआ है वो ईशान दिशा में बना हुआ हो तो वास्तु के अनुसार वह बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे स्थान पर, ऐसे कोने में अगर आप इस तरह के वर्धमान स्तोत्र को रखते हैं तो आपके घर में हर तरह के मंगल की वृद्धि होगी, क्योंकि वर्धमान स्तोत्र का उद्देश्य ज्ञान और सुख की वृद्धि करना ही है। इस तरह के मंगल कार्य आपको इस बार दीपावली पर करना है। जिन कार्यों से आप पहले वंचित थे, कुछ अज्ञानतावश या जानकारी के अभाव के कारण से, उन कार्यों को इस बार आप अच्छे ढंग से करेंगे तो आपके लिए ये दीपावली बहुत अच्छा सुखमय, आनंदमय, समृद्धिमय यह दीपावली आपकी मनाई जाएगी। तो यह भी कार्य आपको करना है, और इस तरह की कार्यों के साथ में जब हम भगवान जिनेंद्र देव की इस तरह से आराधना कर रहे होते हैं, और ये वैसे तो दीपा भक्तों का उत्साह ज़्यादा होता है, तो कभी कभी मंगल कार्य समय से भी पहले निष्ठापित कर लिए जाते हैं, ये उत्साह की बात है, क्योंकि अधिकतर यह समय आप लोगों के लिए एक उचित समय होता है। ज़्यादातर जगहों पर चातुर्मास में इसी समय पर विधान आदि कार्य हो रहे हैं, होते हैं, और यह दीपावली से कुछ समय पहले आप इस तरह से अपना पूजन आदि करके जब निवृत्त हो जाएंगे तो दीपावली का वह कार्य आपके लिए अपने आप मंगलमय होगा, और दीपावली के बाद आने वाली अष्टानिका में तो आप इससे भी बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, जो कार्य एक सामान्य विधान के रूप में नहीं होगा, एक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के रूप में होगा। तो इस बार आप अष्टानिक पर्व में भी अपने आप को खाली रखना, आपकी अष्टानिका यही मन गई, अब आगे की अष्टानिका आप पंच कल्याणक के रूप में मनाने आना इसी पंडाल में, इसी मंडप में, है ना। अब इसको पंडाल ना कहकर के क्या बोलना, मंडप कहना, जहां जिनेंद्र भगवान एक बार विराजमान हो जाते हैं वो जिन मंडप हो जाता है, और ये मंडप बना हुआ है पंच कल्याणक तक, ये मंडप आपके समक्ष ऐसे ही रहेगा। तो हम इन सब तैयारियों को पहले से ही सुनियोजित करके चल रहे हैं, आपका समय देखते हुए कि आपकी दीपावली में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए कल नहीं परसों ये विधान आपके लिए हर तरह से पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप दीपावली मनाइए, दीपावली के बाद भी जब आप थोड़े और थक जाएं तो और 2-4-8 दिन रेस्ट कीजिए, और फिर पंच कल्याणक के लिए तत्पर होकर के अगली अष्टानिका में पूरा पंच कल्याणक से उसे संपन्न कीजिए। तो इस तरह से आपके लिए पहले से ही ये कैलेंडर, जब यहाँ जयपुर में प्रवेश किया था पहली बार हुआ है ऐसा कि चातुर्मास में, चतुर्मास प्रारंभ करने से लेके अंत तक का कैलेंडर मैंने पहले ही बना दिया था, और ये सब सुनियोजित ढंग से जो आप लोग करते जा रहे हैं ये सब आपके अपने उत्साह की बात है, आपके अपने मंगल भावों की बात है। इस तरह के अनुष्ठानों से ही हमारे जीवन में मंगल की वृद्धि होती है। तो हम चलते हैं थोड़ा सा उसी ध्यान की ओर, जिस ध्यान को आज हम थोड़ा सा नंदीश्वर द्वीप के उस ध्यान के रूप में देखेंगे, और नंदीश्वर द्वीप का वह ध्यान करते हुए भी हम आज आपको थोड़ी सी दूर ले चलेंगे। कहाँ चलेंगे, कौन सा द्वीप है नंदीश्वर द्वीप, 8वां द्वीप है ये, कौन से नंबर का, 8वें नंबर का। अब उस द्वीप के पास तक हमें जाना है तो हम केवल मन से जा सकते, इंद्रियों से नहीं जा सकते, क्योंकि इंद्रियां तो
पूरा नहीं देख सकती, बहुत दूर तक नहीं देख सकती। दूर तक कौन देख सकता है? तो मन देख सकता है। लेकिन मन भी तब देख पाता है जब मन को ज्ञान हो, और ज्ञान ही उसके लिए फिर ध्यान के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि जो ज्ञान है उस ज्ञान को एकाग्र करने का नाम ही आचार्यों ने ध्यान कहा है। तो ये जो हमारे अंदर सम्यक ज्ञान है, इस सम्यक ज्ञान से हम ध्यान की ओर चलते हैं, तो ये ध्यान भी सम्यक ध्यान कहलाते हैं। इस तरह के ध्यान आपने अभी तक सम्यक शिखर के ध्यान कभी किए हों, गिरनार के ध्यान किए हों, है ना। लेकिन कभी आप इस तरह से नंदीश्वर का भी ध्यान कर पाए, अच्छे से कर पाए, तो आपके अंदर एक थोड़ा सा ज्ञान इतना जरूर होना चाहिए, जो मैं शॉर्ट में आपको यहाँ बता देता हूँ कि सबसे पहला जो द्वीप है हमारा, जहाँ हम बैठे हैं, उसका नाम है जम्बू द्वीप, है ना। ये बहुत बड़ा द्वीप होता है, 1,00,000 योजन का ये द्वीप होता है। कितना? और आप सोचें कि इतना बड़ा द्वीप है कि इस 1,00,000 योजन के इस डायमीटर में, इस घेरे में भरत क्षेत्र भी है पूरा, ऐरावत क्षेत्र भी है, बीच में अन्य अनेक क्षेत्र भी हैं, भूभूमियाँ जहाँ पर है, बीच में सुमेरु पर्वत है, और उसी सुमेरु पर्वत के दोनों इर्द गिर्द पूर्व पश्चिम में विदेह क्षेत्र भी है। सुनते हो? यानी 6 कुलाचल पर्वतों से सुशोभित और 7 क्षेत्रों से विभाजित ऐसा यह जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन का द्वीप है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं, जिस नंदीश्वर द्वीप में आप पूजा कर रहे हैं, उस नंदीश्वर द्वीप में उसका डायमीटर तो इससे कई गुना ज्यादा है, क्योंकि द्वीप के बाद समुद्र है, समुद्र के बाद द्वीप है, फिर द्वीप के बाद समुद्र है, फिर समुद्र के बाद द्वीप है। और ऐसा करते करते आप 8वें जब द्वीप में पहुंचेंगे तो वो काफी बड़ा विस्तार हो जाता है उसका। इतना बड़ा विस्तार हो जाता है कि 1,00,000 योजन का जो जम्बू द्वीप है, उतने बराबर तो वहां पर 1,00,000 योजन की वापियां हैं, बावड़ियां हैं। सुनते हो? कहां है? नंदीश्वर द्वीप में। उन बावड़ी में क्या बना हुआ है? आप जयमाला पढ़ते हो ना, तो उसमें वापिकाओं के नाम आते हैं, चारों दिशाओं की बनी हुई सब अलग अलग वापिकाओं के नाम आते हैं उसमें, है ना। है कौन से नाम आते हैं? हाँ, अर्जा, बिरजा, हाँ, अशोका इत्यादि नाम आते हैं। तो हर एक दिशा की वह बावड़ियां जो बनी हुई हैं, वो बावड़ियां के अंदर बीचों बीच में क्या बना हुआ है? ये जो ददिमुख पर्वत हैं, ये बावड़ियों में बने हुए रहते हैं। अंजनगिरी पर्वत तो अपने आप में बीचों बीच में नीले रंग का पर्वत अलग ही है, सबसे ऊंचा, और उसके चारों ओर ये 4 बावड़ियों के बीच में ये अंजन ददिमुख पर्वत और इसी तरह से रतिकर पर्वत, ये सब जो है योजन की बावड़ी के बीच में, वापिका के बीच में ये ददिमुख नाम के पर्वत बने हुए हैं। समझ आ रहा है? जितने में हम 1,00,000 योजन का पूरा जम्बू द्वीप ही नहीं देख सकते, उतने में वहां पर एक मंदिर बना हुआ है। एक एक मंदिर मतलब चारों दिशाओं में 1,00,000 योजन की बापड़ियों वापिकाओं के बीच में एक एक मंदिर बने हुए हैं। समझ रहे हो ना? वो एक दिशा की भी 4 अलग और दूसरी दिशा की 4 अलग, भी सब 1,00,000 योजन की अलग अलग। तो आप सोचो कितनी बड़ी रचना होती है, और ये रचना इसीलिए इतनी बड़ी हो जाती है कि आप इसका दोना दोना विस्तार करते जाओ। जम्बू द्वीप से दूना आगे का समुद्र आएगा, लवण समुद्र, योजन का आगे का धातकीखंड द्वीप आएगा, फिर उससे भी दूना कालोदी समुद्र आएगा, फिर उससे भी दूना पुष्कर द्वीप आएगा, फिर उससे भी दूना पुष्कर समुद्र आएगा, और ऐसे करते करते उससे भी दूना फिर वारुणीवर द्वीप आएगा, फिर उससे भी दूना वारुणीवर समुद्र आएगा, फिर उसके बाद बोलो क्षीरवर द्वीप आएगा, फिर उसके बाद क्षीरवर समुद्र आएगा, फिर उसके बाद प्रयोग नहीं, मैं चलते ही चला जा रहा हूँ आगे। कितने हो गए? 6 हो गए। तो ये 5वां कौन सा आया? क्षीर समुद्र, इसी को बोलते हैं क्षीरवर द्वीप, क्षीरवर समुद्र। समझ आ रहा है ना? जिसमें पंच कल्याणक के अवसरों पर
वह जन्म कल्याणक के अवसर पर क्षीर समुद्र से भगवान को नहलाने के लिए जल लाया जाता है देवों के द्वारा। वो कौन सा द्वीप है, कौन सा समुद्र है? क्षीर समुद्र है, वो यही है पांचवें नंबर का। सुन रहे हो, सब ढाई द्वीप से बाहर है। अब उसके बाद घृतवर द्वीप, घृतवर समुद्र, और उसके बाद छोद्रवर द्वीप और छोद्रवर समुद्र, और फिर उसके बाद में आठवें नंबर पर आएगा नंदीश्वर द्वीप और नंदीश्वर समुद्र। समझ में आ रहा है? कितने द्वीप क्रॉस करने के बाद में ये आठवें नंबर का द्वीप आया? सात द्वीप। और कितने समुद्र क्रॉस कर लिए? सात समुद्र। समझ में आ रहा है? अब सोचो आप गाना तो गा लेते हो, सात समुंदर पार में तेरे, कहां सात समुंदर हैं तुम्हारे पास? कभी नॉलेज ही नहीं है सात समुद्र क्या होते हैं। ये है सात समुंदर। अब सात समुंदर पार किसके पीछे जाना है आपको बताओ? मेरे पीछे चलोगे तो कहीं पहुंचोगे भी, दुनिया के पीछे पड़ोगे तो कहां पहुंचोगे? समझ में आ रहा है? तो सात समुंदर पार आपको हम ले जा सकते हैं, और वो भी ध्यान के माध्यम से ले जा सकते हैं, और दुनिया में कोई नहीं ले जा सकता है। चलना है? हाँ, अब इंटरेस्ट आ रहा है। तो जब हम नंदीश्वर द्वीप में पहुंचेंगे, उस तरह के उस विशाल विस्तार में, ये चारों दिशाओं में बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, है ना? अंजनगिरी पर्वत तो बहुत ऊंचा होता है, माने 84,000 योजन ऊंचा है। कितना? मतलब ये जो चांद सितारे हैं ये तो केवल 790 योजन ऊंचे हैं, और ये कितना ऊंचा पर्वत? 84,000। तो समझ लो कितना ऊंचा हो गया चांद सितारों को क्रॉस करके ऊपर जाने वाला पर्वत होता है। कभी सोचा आपने? दधिमुख पर्वत होता है वो 10,000 योजन ऊंचा होता है, और रतिकर पर्वत होता है वो 1,000 योजन ऊंचा होता है। इस तरह से इन तीनों पर्वतों की ऊंचाई का एक अलग अलग तरह से ये मेजरमेंट होता है। तो ऐसे इन पर्वतों को थोड़ा सा हम दिमाग में लाएं, इनकी इतनी विशाल ऊंचाइयां, इतना विशाल हुए नंदीश्वर द्वीप, जहां पर 1,00,000 योजन की तो बावड़ियां बनी हुई हैं जो पूरे जम्बू द्वीप के बराबर हैं। ऐसे द्वीप का अगर हम थोड़ा सा ज्ञान के साथ में ध्यान करेंगे तो हमारा बहुमान इस ज्ञान पर, इस श्रुत पर और ज्यादा बढ़ सकता है, हमारा सम्यक ज्ञान और ज्यादा ठोस बन सकता है, है ना? चले तैयार हो? कहां? सात समुंदर पार। चलिए कमर सीधी करेंगे, जब तक ये ध्यान चलेगा तब तक आंखें बंद रखने का संकल्प लेंगे, लेकिन भीतर से जागृति रखेंगे, निद्रा ना आने पाए। अगर निद्रा की स्थिति सी समझ में आए तो थोड़ी सी आंखों की पलकें अपनी नासा दृष्टि पर टिका लेंगे, आंख के अग्रभाग पर टिका लेंगे, है ना? इस तरह से थोड़ी देर जागृत रहने की कोशिश करना, क्योंकि लोग एकदम से आंख बंद करने के बाद बहुत भाव में बैठते तो हैं, और फिर जब कहीं पहुंचते नहीं हैं तो सीधे हाँ स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं। तो अपनी भीतर से जागृति बनाए रखने के लिए भी आप अलर्ट रहेंगे। आराम से बैठें, पहले जहाँ भी बैठ सकते हैं, अब कुर्सी वाले कुर्सी पर ही बैठे रहेंगे तो कोई बात नहीं है। चलिए आंखें बंद, गर्दन सीधी, कमर सीधी, कुर्सी वाले कुर्सी पर कमर को गर्दन को टच ना करें। अपनी श्वास को सामान्य बनाएं। चेहरे को प्रसन्न रखें। अपने अंतरंग को
एक पवित्र ऊर्जा से भरने के लिए 3 बार ओम अरहम नमः का उच्चारण करेंगे। ओ माथे पर अरहम के अक्षरों का प्रकाश देखें, सफेद रंग में। हमारा मन उसी अरहम के अक्षरों से जुड़ा हुआ है। हमारे माथे से वह अरहम के अक्षर निकल करके पूरे भरत क्षेत्र में भ्रमण करते हुए भरत क्षेत्र के सभी तीर्थों का दर्शन स्पर्शन करते हुए हम इस अरहम के साथ में एक अलौकिक यात्रा पर निकले हैं। जहां जहां ये अरहम जाएगा वहीं पर हमारा मन जाएगा। भरत क्षेत्र के आगे एक बहुत बड़ा कुलाचल पर्वत है, अकृत्रिम जिनालय जिस पर स्थित है। उस जिनालय के दर्शन करते हुए और बीच का एक क्षेत्र लांघते हुए एक दूसरे कुलाचल पर्वत पर पहुंचकर वहां पर भी अकृत्रिम जिनालय का दर्शन करते हुए फिर और बीच का क्षेत्र लांघते हुए अरहम चला जा रहा है। 3रे कुलाचल पर्वत पर पहुंचकर वहां के अकृत्रिम जिनालय का पूर्ण अवलोकन कर रहा है। अरहम का प्रकाश हमारे मन को ले जा रहा है। जिनालयों में भगवान का दर्शन अवलोकन करके उस अरहम के अंदर उन अक्षरों में एक अद्भुत ऊर्जा भर गई है। जैसे शरद पूर्णिमा का चांद प्रकाश से भरा हुआ होता है, ऐसे ही वह अरहम पूर्ण भीतर बाहर प्रकाशमय है, सफेद मून लाइट से भरा हुआ है।
और वह चलते चलते सुमेरु पर्वत तक पहुंच जाता है। बहुत ऊंचा, 1,00,000 योजन ऊंचा हुआ सुमेरु पर्वत। भद्रशाल आदि 4 वनों में हर एक दिशा में एक एक जिनालय है और वहां के 16 जिनालयों की परिक्रमा लगाकर दर्शन करके वह अरहम लवण समुद्र को उल्लंघन करके धातकी खंड द्वीप के राइट साइड के सुमेरु पर्वत पर, मेरु पर्वत पर पहुंच जाता है। वहां पर भी 4 वनों के प्रत्येक एक एक दिशा में बने हुए जिनालय की वंदना करते हुए, परिक्रमा लगाते हुए, उसी धातकी खंड के दूसरी लेफ्ट साइड में बने हुए एक और मेरु पर्वत पर वह अरहम पहुंच जाता है। अरहम तीव्र गति से चल रहा है। उसका प्रकाश बढ़ता जा रहा है, उसका तेज और वृद्धिंगत होता जा रहा है। उस द्वीप को भी पार करके और एक समुद्र का उल्लंघन करके वह सीधा पुष्करार्ध द्वीप में पहुंचा। इसी सीध में, पुष्करार्ध द्वीप में भी एक और मेरु पर्वत है। वहां पर भी 4 वनों के एक एक दिशा के एक एक जिनालयों में वह अरहम घूमते हुए राइट साइड के सभी जिनालयों में जिन बिंबों की दर्शन करते हुए क्षण भर में लेफ्ट साइड के सुमेरु पर्वत पर पहुंच जाता है। पांचों मेरु पर्वत एक सीध में अरहम को दिखाई देते हैं। वहां से भी और आगे बढ़ता है तो एक मानुषोत्तर पर्वत उसे दिखाई देता है। यह 2.5 द्वीप की अंतिम सीमा है। इस पर्वत पर पहुंचकर अकृत्रिम जिनालयों का दर्शन यहां पर भी करके और आगे बढ़ते हुए वह 2.5 द्वीप के बाहर निकल जाता है। आधा पुष्कर द्वीप और चलते चलते आधा पुष्कर द्वीप पार करते करते वह पुष्कर समुद्र में पहुंच जाता है। उस समुद्र को भी पार करते करते वारुणीवर द्वीप में पहुंच जाता है। उस द्वीप को भी पार करते करते आगे वारुणीवर समुद्र में पहुंच जाता है और आगे पार करते करते वह क्षीरवर द्वीप में पहुंच जाता है और आगे चलते चलते वह क्षीर समुद्र तक पहुंच जाता है। अरहम के अक्षरों का आकार बढ़ता चला जा रहा है।
उसी के प्रकाश में ये सारे द्वीप और समुद्र दिखाई दे रहे हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते क्षीर समुद्र का भी उल्लंघन करके घृतवर द्वीप में पहुंचकर अनेक त्रियंशों को वहां देखते हुए आगे बढ़ता हुआ वह अरहम घृतवर समुद्र को भी पार करके आगे बढ़ रहा है। छौद्रवर द्वीप को पार करके फिर आगे छौद्रवर समुद्र को पार करके बहुत दूर निकल गया। यहां से लेकर वहां तक अरहम का प्रकाश फैला हुआ दिख रहा है। द्वीप समुद्रों की संरचनाएं दिख रही हैं और वह आठवें द्वीप नंदीश्वर द्वीप में पहुंच जाता है। जहां अनेकों चंद्रमा और सूर्यों का प्रकाश सदैव स्थायी बना रहता है। उस द्वीप के ऊपर अनेक चंद्रमा और सूर्य हैं जो स्थिर हैं, घूमते नहीं, इसलिए वहां उस द्वीप में वह अरहम पहुंच गया जहां पर दिन और रात का कोई भेद नहीं है, एक जैसा प्रकाश। बहुत बड़ा आकार का वह द्वीप पूर्व दिशा में चलते चलते एक बहुत बड़ा पर्वत दिखाई दे रहा है दूर से, जिसकी ऊंचाई आकाश में हमें दिखाई तक नहीं दे रही, कहां तक गया। चौरासी हजार योजन ऊंचा हुआ है नील पर्वत, नीलगिरी की तरह अंजनगिरी वह पर्वत, नीले रंग का, बिल्कुल गोल आकार में, जिसमें ऊपर ऊंचाई पर जाकर के अकृत्रिम जिनालय बने हुए हैं, जिस जिनालय में उस अकृत्रिम जिनालय में जिन बिंबों को मैं देख रहा हूं, बहुत बड़े बड़े जिन बिंब हैं। स्वर्णमयी सुनहरी आभा को लिए हुए सुंदर मनुष्य की आकृति की तरह बैठे हुए, मानो भगवान ऋषभ देव ही 500 धनुष की अवगाहना के साथ वहां बैठे हैं। उन बिंबों की अद्भुत सुंदरता देखकर महसूस होता है जैसे स्वयं तीर्थंकर अभी यहां पर विद्यमान है। जिनके ओठ लाल हैं, सुंदर घुंघराले काले केश आंखों के ऊपर, पलकें बरौनी नीलिमा लिए हुए, हाथों की पगतलियों की
लालिमा को देखते हुए हाथों और पैरों के सुंदर नखों को देखते हुए एक हजार आठ लक्षणों से सुशोभित प्रसन्न मुद्रा में अत्यधिक प्रसन्न मुस्कराते हुए वह जिन बिंब को अरहम के आलोक में मैं देख रहा हूं, जैसे टॉर्च का प्रकाश किसी वस्तु पर डाला जाता है तो वह चारों ओर धीरे धीरे घूमता है, ऐसे ही वह अरहम उन जिन बिंब के प्रत्येक अंग उपांग को स्पर्श कर रहा है। नासा को, आंखों की पलकों को, नाक के ऊपरी भाग को, कपोलों को, ललाट को, मस्तक को, भुजाओं को, पैरों को, जंघाओं को, कमर को, पीठ को वह अरहम स्पर्श कर रहा है। पूरे जिनबिंब पर वह अरहम घूम रहा है, उसके अंदर भी वह सुनहरापन भरता जा रहा है और स्वर्णमयी उस कांचन देह यष्टि में आप्लावित होकर वह अरहम का रंग भी सफेद से सुनहरा हो रहा है। एक और आगे बढ़ते हुए आगे के जिन बिंब को देखा, नीलमा लिए हुए नीलमणि के रत्न से बना हुआ मानो वह जिन बिंब साक्षात मुनि सुब्रतनाथ भगवान बैठे हों। जैसे मयूर के कंठ की नीलिमा अत्यधिक चमकीली और सुंदर होती है, ऐसी ही नीलाभ युक्त नीलमणि की आभा से युक्त वह देह अरहम उस नीलमणि युक्त जिनबिंब को भी पूरा का पूरा स्पर्श कर रहा है प्रसन्नता के साथ। उस देह पर वह अरहम घूम रहा है, कभी ओठों पर पहुंच जाता है, कभी नाक के अंदर घुस जाता है, कभी बालों पर मडराता है, कभी पीठ पर आ जाता है, कभी पगतलियों पर आ जाता है, कभी कटी प्रदेश पर आ जाता है, कभी नाभि स्थान पर आ जाता है, कभी ललाट पर आ जाता है और वह अरहम का रंग भी ऐसा ही नीला नीला दिख रहा है। मन प्रफुल्लित हो गया अरहम के साथ उस नील मणि की आभा वाले जिन बिंब का सुंदर दर्शन, जिनके ओठ लाल हैं, हाथ की तल पैरों
लाल लाल हैं, सुंदर नीले मनुष्य की आभा की तरह वह चिन्बिंब मुस्कराता हुआ दिखाई दे रहा है। और आगे बढ़े, एक और विशाल चिन्बिंब 500 धनुष की अवगाहना से युक्त सफेद रंग के उज्ज्वल प्रकाश से प्रकाशित आकाश में चंद्रमा तो बहुत छोटा सा दिखाई देता है, वह जिन बिंब के अंदर एक एक पॉइंट पर ऐसे सैकड़ों चंद्रमा का प्रकाश निकल रहा है। दूध या रंग की वह सफेद लाइट अंग अंग से फूट रही है। बहुत बड़ी चंद्रकांत मणि, बहुत बड़ा वह जिनबिंब अरहम का प्रकाश उसमें मिलता चला जा रहा है और वह अरहम उन जिनबिंब के चरणों का, हाथों का, मुख का, आंखों का स्पर्श करते हुए सफेद प्रकाश से भर गया है। मन को प्रसन्न रखें, मानो चंद्रप्रभ भगवान एक बहुत बड़ी काया के साथ वहां बैठे हमें दिखाई दे गए। शांत मुद्रा, प्रसन्न मुद्रा, आंखों की पलकें स्थिर हैं, जैसे सफेद रंग का चमकता हुआ वह महापुरुष सुंदर मुख के साथ वहां विराजमान हो। ऐसे मनुष्य के आकृति के साथ, मनुष्य के ओठ, आंख, बाल, नाखून आदि के रंग यथार्थ को धारण करते हैं, ऐसे ही वह जिन बिंब हैं, सफेद रंग के उज्ज्वल। अरहम के अंदर वह सफेद प्रकाश भर चुका है। आगे बढ़ते हैं, चारों ओर दूर दूर तक देखते हैं, रत्नों की मणियों की आभा झिलमिला रही है। असंख्यात देव और देवियां हर एक जिनबिंब के आसपास घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हजारों योजनों का वह परिसर देव और देवियों से भरा हुआ है। सर्वत्र पूजा के स्वर, स्तुतियों के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। एक एक करके मैंने 108 जिनबिंबों का दर्शन कर लिया। उस अंजनगिरी से बाहर निकला वह अरहम, वहीं से देखता है दूर सुंदर अनेक वृक्षों, वनों और बावड़ियों के बीच में
उसी अंजन गिरी के चारों ओर एक एक ददमुख दही के समान सुंदर श्वेत रंग के वह पर्वत अपनी आभा बिखेर रहे हैं। पूरे नंदीश्वर द्वीप की आभा को वह अरहम वहीं से देख रहा है। सभी मंदिरों के शिखरों पर जाकर, ध्वजाओं पर जाकर वह ददिमुख के आसपास बने हुए रतिकर पर्वतों पर भी जाकर लाल रंग के उन पर्वतों पर स्थित जिनालय में स्थित जिन बिंबों को देखकर आश्चर्य से भर गया है। सभी जिनालयों में अपार भीड़ है। वैमानिक देवों का सर्वत्र कोलाहल है। न जाने कहां से प्रचुर मात्रा में बहुत बड़े बड़े थालों में भर भर करके वह अक्षत, वह पुष्प, अनेक मणिमय रत्नों के दीपक, चारों ओर उठती हुई सुंदर सुगंधित धूपों की, मलयागिरी चंदन और जितने भी सुगंधित पदार्थ उन सबकी सूंघने लायक सुगंध वह हमारे अंदर बसती जा रही है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश झिलमिलाते हुए नीले लाल सफेद इन प्रकाशों का आपस में मिश्रण। सर्वत्र देव और देवियों का नृत्य गान, संगीत की लहरियां, न जाने कितने करोड़ बाजे बज रहे हैं हर जिनाले में। जिन बिंबों का सौधर्म इंद्र अभिषेक कर रहे हैं बड़े बड़े कलशों से, वह जल न जाने कहां समाहित हो जाता है। सभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, मानो इन देव देवियों को किसी भी तरह की आगामी समय की कोई चिंता नहीं। सभी आनंदित हैं, अद्भुत आनंद है सबके अंदर। अरहम एक दिशा में खड़े होकर के उन सब जिनालयों की गतिविधियों को देख रहा है। ऐसे ही वह दक्षिण दिशा के जिनालयों को देखने गया। ऐसे ही वह पश्चिम दिशा के जिनालयों को देखने गया। ऐसे ही वह उत्तर दिशा के जिनालयों को देख के गया और देखता ही रह गया। अरहम के अंदर उन सभी जिन बिंबों का स्पर्श हो गया। हर जिनालय के 108 जिन बिंबों का स्पर्श करते हुए द्रुत गति से वह अरहम नंदीश्वर के बीचों बीच में आकाश में खड़ा खड़ा चारों ओर का दृश्य देख रहा है।
अनादि काल से स्थित उन जिन बिंबों का स्पर्श, उन जिन बिंबों की आभा से भरा हुआ वह अरहम वापस लौटते लौटते उन्हीं द्वीप समुद्रों से होता हुआ अपने माथे पर स्थित हो जाता है। देखें उस अरहम का प्रकाश हमारे माथे से होकर आंखों पर आकर नाक कान मुख गर्दन कंधे बाहें हाथ मेरुदंड कटी प्रदेश जंघा घुटने सब जगह पग तलियों तक वह प्रकाश अरहम का पहुंच रहा है। इतनी शुद्ध ऊर्जा इतना शुद्ध प्रकाश इतनी पवित्रता पहले कभी हमने महसूस नहीं की जो आज हमारे पूरे शरीर में रोम रोम अनेक अकृत्रिम जिनालयों के दर्शन स्पर्शन से भरा हुआ उस ऊर्जा से भरा हुआ वह अरहम का प्रकाश हमारे माथे पर शोभायमान है। वह प्रकाश मेरे मन में भर चुका है, मुझे अब और कुछ स्मरण नहीं। उसी प्रकाश से मेरी चेतना निर्मल हो रही है, पूरे शरीर में फैली हुई मेरी चेतना चैतन्य शक्ति उसी प्रकाश से बढ़ रही है। मन अरहम के साथ जुड़ गया, देह में प्रकाश अलग फैला हुआ दिख रहा है, चेतना की चित शक्ति का प्रकाश अलग बढ़ रहा है। और मैं इस शक्ति का अनुभव कर रहा हूं। मैं ही अरहम हूं, देखते देखते माथे के वो अक्षर विलीन हो गए और मानो मैं अरहम में लीन हो गया। अरहम का प्रकाश मेरी चेतना में समाहित हो गया। मैं पूरा चैतन्यमय अपने को अनुभव कर रहा हूं। पूरे शरीर में एक चैतन्य ज्योति जलती हुई नजर आ रही है। मैं आनंदित हूं, मेरी आत्मा के एक एक प्रदेश में मानो हजारों दीपकों का प्रकाश उत्पन्न हो चुका है। मेरा शरीर का रोम रोम प्रकाशित है।
प्रकाश का यह उत्सव दीपोत्सव अनेक अनेक दीपावलियों का इकट्ठा हुआ सारा प्रकाश मानो मेरे अंदर समाहित हो गया। अरहम हि चित् ज्योति है अरहम अरहत सिद्ध अरहम साधु मंगलम अरहम लोक प्रसिद्ध ओम अरहम नमः 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 ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियां किसे आंखों पर रखें, जहां शरीर में दर्द हो वहां रखें। ओम अरहम परम शांति ओम अरहम परम शांति ओम अरहम परम शांति। शांति के साथ अपनी आंखें खोलें और प्रेम से बाहर देखें। बोले महामय नंदीश्वर दीप जिनालय की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान।